स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। आज 2 अक्टूबर के दिन उनकी जन्म जयंती सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आज सूरत के SBI के प्रशासनिक कार्यालय में महात्मा गांधी का जन्मदिन कुछ अनोखे तरीके से मनाया गया। आज SBI के प्रशासनिक कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से गोड्डो रोड पर आए हुए पांजरापोल की मुलाकात लेकर उसमें सफाई करने का कार्यक्रम रखा गया था। आज के इस कार्यक्रम में SBI के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं SBI के डेप्यूटी जनरल मैनेजर श्री अशोक महाकुल भी उपस्थित थे और पांजरापोल के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री नयन भाई भारतीय और जनरल मैनेजर श्री प्रदीप भाई सेठ ने पांजरापोल में हो रहे गायों के इलाज के बारे में भी जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज में। आज 2 अक्टूबर यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो हमारे देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर किया और स्वच्छता भी जिनको बहुत ही पसंद थी, तो उनको ध्यान में रखकर SBI की टीम की तरफ से यहाँ के सूरत के गोड्डो रोड पर आए पांजरापोल में एक स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। तो इस वक्त SBI की तरफ से अशोक जी हमारे साथ हैं, उनके पास से हम इस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या आज कर रहे हैं? ये आज ये हमारा पूज्य पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्य जन्मतिथि है। उनका इसी की खास था कि स्वच्छ भारत कैसे होगा, इस स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्रयास जारी है। इसके संदर्भ में हम काल जितना भी ब्रांचेस है हर ब्रांच में स्वच्छता कार्यक्रम का किए थे और मैंने सफाई किए थे, ATM का सफाई किए थे, ब्रांच का सफाई किए थे। आज भी हम इसमें हिस्सा दे रहे हैं क्योंकि ऐसे स्वच्छता बहुत ज़रूरी है देश के लिए। ग्रीन जैसे कि अभी भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छता सबके लिए ज़रूरी है, तो इस स्वच्छता को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हम लोग जितना भी भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी हैं हम लोग संकल्पबद्ध हैं। हम हमारा ये कोशिश है इसको आगे लेंगे कि हम इसमें शामिल होंगे, तो जो भी बाहर जो जनता पब्लिक है पब्लिक को भी जागरूकता होगा तो सब मिल के काम करेंगे। इस हिसाब से आज हम घुड़तोल रोड में जैसे देखिए कि जितना भी सारे हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में सब जाते हैं, तो हम चुने कि जैसे नंदिनी वेटनरी हॉस्पिटल है, जैसे वेटनरी के जो महान काम हमारा नयन भाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हॉस्पिटल में सब जा रहे हैं लेकिन हम जाएंगे कि जहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल है जहाँ पर पशुओं का मैंने ये एनिमल्स का रखा जाता है, तो इसीलिए हम ये जगह को चुने हैं। तो इधर भी उनका जो ये इसमें काम कर रहे हैं और भी बैंक का जो साइड में जो हमारा जो बैंक घोड़तोड़ रोड में जो भी है उनका भी सफाई काम करेंगे। तो इसमें खाली हम ये करना चाहते हैं कि सफाई बहुत ज़रूरी है, तो हमको ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम खुद सफाई करें और सफाई में सहाय करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पूरे देश में उनके आदर्शों का पालन करने का सब प्रयत्न कर रहे हैं और गांधी जी को स्वच्छता बहुत ही प्रिय थी। हमारे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी स्वच्छता के बहुत ही आग्रही है और उन्होंने स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया है। इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये हमारी सूरत पांजरापोल में सफाई का अभियान करने के लिए हमें कहा था, तो हमें उन्होंने स्वागत किया और हमें बहुत ही खुशी हुई कि आज पूरी स्टेट बैंक की उनके जोनल मैनेजर साहब और बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ जो सफाई का अभियान है उसमें भाग लिया है। मैं इन सभी को हमारी पांजरापोल की ओर से अभिनंदन देता हूँ और मैं पूरे देश के सभी जनता को अपील करता हूँ कि अपने घर की सफाई तो करते ही है, लेकिन घर कब साफ होता है? जब अपनी जो मोहल्ला होता है, अपना जो शहरी होती है वो साफ़ होती है, तभी अपना घर साफ रहता है। और सीढ़ी साफ होने के बाद हमें हमारी घर की सफाई को देखना चाहिए। तो मैं सबको अपील करता हूँ कि आज के जो दिन है, आज एक दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए ये स्वच्छता अभियान चालू रखें और देश को रोग से मुक्त करें, क्योंकि अगर गंदगी होती है तभी रोग होते हैं। तो ये स्वच्छता के लिए जिस तरह लोग हमारे लोकप्रिय वडाप्रधान मोदी जी ने अपील की है, तो इसका हम सब साथ में मिलके इसका पालन करें और स्वच्छता रखने में स्वच्छता रखें, यही मेरा एक संदेश है।